यूरिया खाद का अवैध परिवहन कर रहे ट्रक को पकड़ा। झाबुआ में खाद की किल्लत के बीच अवैध तरीके से खाद का परिवहन कर रहे ट्रक को थानदाला में पकड़ा गया। उक्त ट्रक राजस्थान से मध्य प्रदेश की ओर आ रहा था, जो कि यूरिया खाद से लवरेज था। यूरिया खाद से भरे ट्रक के अवैध परिवहन की सूचना पर ग्रामीणों व थानदाला नगर वासियों ने ट्रक को धर दबोचा और मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। वाहन क्रमांक GJ 97 29 वाहन मालिक झाबुआ जिले के ग्राम कल्याण पुरा का बताया जा रहा है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट शक्ति सिंह चौहान ने ट्रक को जब्त कर पुलिस के हवाले कर पंचनामे में के लिए कृषि अधिकारी को तलब किया है। पूरा मामला झाबुआ जिले के थानदाला थाना क्षेत्र का है। हम लोग पहुंचे हैं और इसको थाने में लाके खड़ा किया है। वाहन चालक से पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि ये माल वो कुशलगढ़ से राजस्थान में जो आता है वहां से लेके आ रहा है और दत्ती गांव जा रहा था। इसके द्वारा बताया गया कि ये दत्ती गांव के किसानों का माल इसमें है। 15 किसान उसके द्वारा बताए गए हैं। अब इसकी जाँच के लिए संबंधित विभाग के SADO साहब को बुला लिया गया है। इनके वरिष्ठ भी आ रहे हैं जिसमें जाँच की जा रही है और जांच होने के बाद में अगर यह अवैधानिक होगा तो इसके खिलाफ मतलब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर के द्वारा कल्याणपुरा क्षेत्र का भी नाम दिया जा रहा है। कल्याणपुरा क्षेत्र का वाहन चालक जो है वो कल्याणपुरा क्षेत्र का है और वाहन मालिक भी बता रहा है कि वो कल्याणपुरा का है।